बार बार कोई नहीं आएगा दोस्तों आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपकी जिंदगी में है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम लियो साइन सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। सिंह राशि का अगस्त 2024 का मासिक राशिफल मंथली प्रिडिक्शन अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, बहुत डिटेल में सब कुछ जानेंगे। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम होंगे, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। चार्ट के द्वारा समझाऊंगा आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, और आपको समझ में भी आएगा और मजा आएगा। दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अंत में बताऊंगा आपको दोस्तों अचूक उपाय, क्या उपाय फॉलो करना चाहिए आपको इस महीने। चलिए जानते हैं सिंह राशि अगस्त 2024 का मासिक राशिफल। दोस्तों आपकी सिंह राशि है, पांचवें नंबर की राशि है। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं आपके सूर्य, और सूर्य आपके बारहवें घर में विराजमान है। फर्स्ट हाउस में है बुध, शुक्र आपके सेकंड हाउस में है, केतु आपके सप्तम भाव में है, शनि विराजमान आपके अष्टम भाव में है, राहु तो आपके दसम स्थान में है, मंगल के साथ में गुरु विराजमान। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में विचार कर लेते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी आपकी समझना होगा। अब राशि के स्वामी कौन बनते हैं आपके, फर्स्ट हाउस के आपके लॉर्ड बनते हैं सूर्य, और सूर्य आपके बारहवें घर में है, लेकिन 16 अगस्त को फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर लेंगे। दोस्तों बारहवा घर कुंडली का अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये खर्चे का होता है, हॉस्पिटल का होता है, त्रिक भाव माना जाता है। तो 16 अगस्त से पहले आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान तो रखना है, क्योंकि बारहवा घर जैसे मैंने बताया कुंडली का अच्छा नहीं होता, दुष्ट स्थान भी माना जाता है इसको, तो ये हेल्थ में थोड़ा परेशान करता है, इम्यूनिटी को थोड़ा डाउन करता है। मौसम वसम चेंज होता है, कुछ भी चीज़ चेंज करते हो आप, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हो, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पे। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है 16 अगस्त से पहले, उसके बाद तो सूर्य बलवान नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बलवान हो रहे हैं, अपनी राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में 16 अगस्त को। तो ये तो आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके रिकवरी को लेकर, आपकी चिंताओं को लेकर, जो चिंता थी, जो एंग्जाइटी थी, उन सभी चीज़ों को लेकर ये हटा देगा और बहुत अच्छा देखा जाएगा। उसके बाद आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी जान लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा दोस्तों, पंचम भाव जहाँ पे 9 नंबर लिखा है ये होता है पढ़ाई का, और पंचमेश बनते हैं आपके गुरु, और गुरु आपके केंद्र में है, मंगल के साथ युति बनाकर बैठे हैं, जो कि मंगल सिंह राशि के लिए योग कारक प्लैनेट होता है। अब मंगल और गुरु की युति केंद्र में बन रही है, त्रिकोण और केंद्र का राजयोग ये गुरु बना रहे हैं। हालांकि शत्रु की राशि में है, कभी कभी मन डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन पढ़ाई, एग्जाम है, एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है अगस्त के महीने में, तो यह महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गुरु केंद्र में है, मंगल केंद्र में है, सूर्य केंद्र में आ जाएंगे 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त के बाद तो पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वैसे भी ओवरऑल अच्छी है, परिवर्तन कर सकते हैं पढ़ाई में। गवर्नमेंट एग्जाम 15 अगस्त के बाद बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य सरकार हैं और सूर्य अपने राशि में प्रवेश करेंगे। तो पढ़ाई को लेकर ये महीना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु केंद्र में, बस गुरु शत्रु की राशि में है और फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, और कभी कभी हो सकता है कि मन डाइवर्ट हो, उसको एकाग्रता बनाए रखें। बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर, प्रेम प्यार कैसा रहेगा आपका अगस्त के महीने में दोस्तों। पंचम भाव प्रेम प्यार का भी होता है और पढ़ाई का भी होता है, जैसे मैंने बताया आपको। गुरु के साथ में मंगल है, सूर्य बारहवें घर में बैठे हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग के टाइम पे, जब ये अगस्त का महीना शुरू होगा, तो स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत तनातनी किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, पुरानी चीज़ों को लेकर, एक चीज़ रिपीट करने को लेकर, अपने आप को ही सही मानना, सही बताना, प्रूफ करना अपने आप को, तो ये थोड़ा बहुत इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य बारहवें घर में है, ना चाहकर भी थोड़ी बहुत कभी कभी फाइट करवा देते हैं। हालांकि गुरु के साथ में मंगल है, गुरु केंद्र में है, तो उस चीज़ को बना के रखेंगे कि एक प्रेम होता है, फीलिंग्स होती है, वाइब्स होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको बना के रखेंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी विदाउट एनी रीज़न और कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पर भी थोड़ी बहुत फाइट हो सकती है, लेकिन ये स्टार्टिंग के टाइम पे ही देखा जाएगा। 10 अगस्त के बाद ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, और लव रिलेशन में अच्छा देखा जाएगा। जब सूर्य फर्स्ट हाउस में आएंगे थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, लेकिन फिर भी प्यार ज़्यादा रहेगा, फीलिंग्स ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में रहते हैं, तो थोड़ा ठीक है गुस्सा रहता है, लेकिन संभाल लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर जो है लव रिलेशन 10 के बाद काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करूँ आपके मैरिड लाइफ को लेकर, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, जहाँ शनि विराजमान है। एक बात बताना मुझे कि शनि यहाँ पर विराजमान है और काफ़ी टाइम से है, पिछले 6-7 महीने से आपके लाइफ पार्टनर के करियर में कुछ ग्रोथ हुआ क्या? ये मान के चलो कि अभी ये अगस्त का महीना, यानी कि इस 2024 के स्टार्ट होते ही शनि अपने घर में है,
आपके लाइफ पार्टनर के करियर में कुछ ग्रोथ हुआ, अगर नहीं हुआ तो होने की संभावना है, कुछ फाइनेंशियली प्रॉफिट हुए, कुछ ग्रोथ हुआ, कुछ बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ फ़ायदा हुआ क्या, अगर नहीं हुआ तो अब होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। शनि अपने घर में है, यानी कि ये मल्टी टैलेंटेड बनाते हैं, काम करते हैं, एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं। आपके लाइफ पार्टनर मेहनत कर रहे होंगे इस टाइम पे, कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उसका आउटपुट भी मिलेगा। ओके, मैरिड लाइफ की अगर बात करूँ तो शनि वक्री है, मैरिड लाइफ अच्छी है 75%, लेकिन कुछ 25% कभी कभी बीच में जिद होना, आपके अंदर क्रोध होना, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में आएंगे, और आपके लाइफ पार्टनर के अंदर जिद होना, स्टबर्न नेचर होना, ये थोड़ा बहुत क्लैश हो सकता है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी 75% तो आपकी मैरिड लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ पर घूमने फिरने के वो अच्छे हैं, आप दोनों मिलकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं, डिसीजन सोच सकते हैं, ठीक है, और एक्शन में लेके आ सकते हैं, अच्छा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं, भाग्य, करियर और बिजनेस कैसा रहेगा। दोस्तों भाग्य स्थान होता है ये, जहाँ एक नंबर लिखा है, और ये होता है करियर का, जहां मंगल और गुरु विराजमान है। अब भाग्य के स्वामी मंगल आपके 10th हाउस में है, अगले ही स्थान में जाकर बैठे हैं, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस में है, भाग्य का संबंध करियर वाले स्थान में बन रहा है, अच्छा है। और फिर लाभ स्थान में बनेगा 26 अगस्त को, तो इस महीने भाग्य के जो स्वामी मंगल है उनकी स्थिति अच्छी है। भाग्य के स्वामी होकर अपने 4th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कुछ रेनोवेट कर सकते हैं, कुछ चीजों को आप ठीक करवा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी बड़ी चीजों के बारे में सोच सकते हैं, आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, या कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में डील कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शुभ कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मंगल के साथ में गुरु भी हैं, जो कि एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है गुरु का, तो मंगल के साथ में गुरु का बैठना यानी कि एक बड़ी डील प्राप्त करना, मिलना, बड़ी सोच होना, डिजायर्स को पूरा करना, क्योंकि मंगल सही बैठे हैं यहाँ पे। और मीटिंग रख सकते हैं आप, अगर आप इस महीने कुछ करना चाहते हैं, लॉन्ग ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, कुछ आप सोच रहे हैं, अच्छी स्थिति है मंगल की। राशि से आपकी कुंडली सिंह राशि वाले बहुत होंगे, करोड़ों हैं सिंह राशि वाले, तो आपकी कुंडली कैसी है ये अलग मैटर है, ठीक है, राशि के हिसाब से बता रहा हूँ। और करियर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो शुक्र जो है 10th लॉर्ड शुक्र बनते हैं, शुक्र फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में जाएंगे लेकिन काफ़ी टाइम के बाद, 25 तारीख को, तो शुक्र यहाँ है फर्स्ट हाउस में, काम आपके पास में आ रहा है, आप काम को बहुत अच्छे तरीके से करके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 10th लॉर्ड शुक्र फर्स्ट हाउस में है, 10th लॉर्ड का फर्स्ट हाउस से कनेक्शन है, सेल्फ से कनेक्शन बन रहा है, काम जो आ रहा है ना वो आपको समझ में आएगा, आप उसको इजीली वे में करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से करेंगे। क्यों समझना, आपके 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, 9th लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में, और आपके फर्स्ट लॉर्ड सूर्य भी फर्स्ट हाउस में आएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है आपको, जब तक सूर्य 12वें घर में, कभी कभी काम को टालना और काम करने का थोड़ा बहुत मन ना लगना, स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है, लेकिन 14-15 अगस्त के बाद तो आप बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे, पहले भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके बाद ज्यादा अच्छा है आपका काम। 14-15 अगस्त के बाद आपका काम बहुत अच्छा है, प्रमोशन हो सकती है, नेम फेम हो सकता है, तारीफ हो सकती है आपकी, या बॉस की नज़रों में थोड़ा बेटरमेंट, हैप्पी मोमेंट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। और क्योंकि बुध शुक्र फर्स्ट हाउस में है, मेंटेलिटी, स्मार्ट वर्क करना, अच्छे से वर्क करना, पॉजिटिविटी होना, ये सब अच्छा दिख रहा है। और जिनके पास नौकरी नहीं है, 15 अगस्त के बाद नौकरी मिलने की संभावना मैं कहूँगा 100% है यहाँ पे, बस आप अपने साइड से प्रयास डालिए। और बिजनेस की बात करूँ, बिजनेस को लेकर ये महीना काफ़ी अच्छा है, शनि है, और ये बिजनेस आपका इस महीने ही नहीं, आने वाले टाइम पर भी बिजनेस आपका सही दिखाई दे रहा है, और खासकर लोहे से रिलेटेड, ऑयल हो गया आपका, पेट्रोल पंप हो गया, टेक्निकल चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रिक चीज़ हो गई, जमीन से जुड़कर वाले काम हो गए, तो ये काम आपके अच्छे देखे जाएंगे, क्योंकि शनि बहुत अच्छे हैं और बुध भी आपके फर्स्ट हाउस में है। ये बताया दोस्तों सब कुछ, क्या उपाय करने चाहिए आपको। सबसे पहले तो सूर्य को जल चढ़ाइए, अर्घ दीजिए आप, ठीक है, सूर्य का बीज मंत्र करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 108 बार करना है आपको, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको निरंतर फॉलो करना है डेली। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में, धन्यवाद।